शाहीन बाग क्या है सर? शाहीन बाग तो ये लोग मुद्दा बना लिया है। आज हमारे गृह मंत्री साहब चाहे तो आज 2 मिनट में बात करके शाहीन बाग हट जाएगा। देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ना चैनल पे, 8 तारीख को चुनाव है, 9 को ये लोग हटवा भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं News4 Rajasthan और मैं प्रदीप शेखावत इस वक्त दिल्ली की गलियों में मौजूद हूँ। दिल्ली की जो सरकार बनने वाली है उसको लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है इस वक्त? ऑटो चालक हमारे साथ एक हैं, क्या नाम है आपका भी? रंजीत यादव। रंजीत यादव जी, 5 साल केजरीवाल के थे, अब क्या मानस बनाया है आप लोगों ने? 5 साल केजरीवाल थे और 5 साल केजरीवाल फिर रहेंगे। मतलब वो फ्री वाला चस्का लग गया? नहीं, फ्री वाला नहीं, ईमानदारी वाला चस्का है। फ्री वाला चस्का नहीं चाहिए, ईमानदारी का चस्का चाहिए। ऐसा क्या क्या कर दिया केजरीवाल ने? भाई साहब, अथॉरिटी जाते थे ना, गाड़ी पास कराने के लिए लाइन लगता था, दलालों का काम होता था, हम लोग का नहीं होता था। आज हम लोग अपने आप करा रहे हैं। बिजली के बिल की जो एक फ्री की कोई मायने नहीं है, लाइटें आती नहीं थी, पानी आता ही नहीं था, लाइन ही नहीं था पानी का। हम लोग यहाँ केन लेके हम लोग 10-10 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। केजरीवाल आने के बाद घर घर पानी हो गया। नहीं, हम भी कई लोग घूमे, अभी तक लाइनें नहीं लगी, गंदा पानी आता है अगर लाइन लगी है तो? नहीं, हमारे यहाँ तो पानी साफ आ रहा है, लाइन चेंज भी हो रहा है। पहले हमारे यहाँ लाइन ही नहीं था भाई साहब, हम केन में रख के गाड़ी में तब लाते थे पानी। कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये डेवलपमेंट चार्ज, ये आने के बाद 100 रुपये लगा। हम लोग 4,000-5,000 में नया नया कनेक्शन लिए, मीटर लगवा लिए, बिल माफ़ आ रहा है। फ्री का चस्का कोई नहीं, उससे हम तो कहते फ्री मत करो, लेकिन सुविधा जो है, जो ईमानदारी है उसको रेगुलर रखें। पहले हम लोग रोड पे कहीं भी खड़े होते थे ना, सबसे हमें इनका एक बढ़िया लगा, पहले कहीं भी एक्सीडेंट होता था ना भाई साहब, तो हम लोग मुंह फेर के चले जाते थे। पता है क्यों? कि उठा के ले जाते थे, हम लोग को सारा रात पुलिस वाला थाने में बैठा रखता था हॉस्पिटल में। कोई एक परिवार का आए तब हम लोग जाते, आजकल नहीं है। आज के टाइम में कोई भी एक्सीडेंट होता है, हम लोग उठा के कोई भी हॉस्पिटल दे आता हूँ, प्राइवेट बड़ा महंगा से महंगा हो, गेट पर दे आता हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, उस बंदे का इलाज हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारी भाभी का अभी भी पथरी का ऑपरेशन हुआ है, 15 दिन दौड़ा उसने। केजरीवाल के जो पेपर हैं जो 30 दिन के अंदर कहता है कि भाई सरकारी में नहीं है जगह तो प्राइवेट में करा लो, उन्हें 56 हॉस्पिटल का पर्चा दिया जिसमें आपको सुविधा हो। नांगलोई, मैं किराड़ी विधानसभा रहता हूँ, नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास है सोनिया हॉस्पिटल प्राइवेट, हमने वहाँ 2500 रुपये सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लगे और मेरे भाभी का ऑपरेशन निःशुल्क हुआ। ये फ्री की आदत केजरीवाल डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। अब दावा हर कोई, हम भी कह सकते हैं भाई हम भी बना लेंगे, देश स्वतंत्र है, हम आप स्वतंत्र हैं, इसमें तो कोई थोड़ी ना, हम भी कह देंगे भैया हम आज खड़े हो जाएंगे चाहे वोट एक मिल जाए। ये आप दिल्ली के लोकल हैं, कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली? 20 साल से। 20 साल से जी। क्या असर डालेगा इन चुनाव में शाहीन बाग? क्या है सर, शाहीन बाग तो ये लोग मुद्दा बना लिया है। आज हमारे गृह मंत्री साहब चाहे तो आज 2 मिनट में बात करके शाहीन बाग हट जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, कोई मुसलमान ही नहीं है वहाँ पे, हर मजहब के आदमी हैं। ये लोग तो बस ये चाहता कि ये लोग पे दबाव बना जाके केजरीवाल का कोई मंत्री या केजरीवाल वहाँ खड़ा हो जाए और दबाव बना दे, भैया केजरीवाल तो सही में बिरयानी खिलाने के आ जाए। 9 तारीख को देख लीजिएगा, लोग हटवा भी लेंगे, खाली हो जाएगा शाहीन बाग। देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ ना चैनल पे, 8 तारीख को चुनाव है, 9 को ये लोग हटवा भी देंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। मतलब केवल केवल दिल्ली के चुनाव के लिए शाहीन बाग चला? बस देख लीजिएगा आप। ये यहाँ के लोकल जो रिक्शा चालक हैं रंजीत, उनका ये दावा है कि 8 को चुनाव होगा और 9 को यहाँ से शाहीन बाग भी खाली हो जाएगा और जितने भी दाव पेच हैं वो ये सामने आ जाएंगे कि किसकी सरकार यहाँ दिल्ली में, जो देश की राजधानी दिल्ली का जो चुनाव है उसमें किसकी सरकार बन पाएगी, ये 11 तारीख को रिजल्ट में ही आ पाएगा। नमस्कार। हम लोग तो सर